हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मैं वेलकम करता हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनी इज एवरीथिंग। गाइस, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस किए बिना मत जाना। मैं हर बार बोलता हूं, मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक यूट्यूब चैनल है जो मार्केट आवर्स में भी आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट देता है। वो कुछ भी हो सकता है, स्टॉक की कॉल हो सकती है, स्टॉक की पुट हो सकती है, कोई न्यूज हो सकती है, इंडेक्स की कॉल हो सकती है, इंडेक्स की पुट हो सकती है, एनीथिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो टाइम टू टाइम आपको मिलेगा इस चैनल पर। क्योंकि किसी टाइम भी मैं मार्केट से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होता है मैं अपने व्यूवर्स को मिस नहीं करने देता हूं, मैक्सिमम टाइम उसको अपलोड करता हूं। दूसरा गाइस, डिस्क्लेमर, अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं बहुत जल्दी हो जाएंगे। ये मार्केट व्यू है कल के लिए, यानी कि 30 जनवरी 2024 30 तारीख के लिए व्यू शेयर कर रहा हूं मैं आपको, क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमारा व्यू क्लियर था आज के लिए, मंडे के लिए हम बुलिश थे, हमें एक बाउंस, अच्छा खासा बाउंस लग रहा था कि एक बाउंस आना चाहिए और वो आया, और वो इतना स्ट्रांग आया कि उसने निफ्टी में ब्रेकआउट दिया है। जी हाँ, 21,600 के 21,600 के ऊपर क्लोजिंग देना एक ब्रेकआउट है निफ्टी में, जो स्ट्रांगली मोमेंटम करेगा अपो बुलिश साइड। तो ये एक स्ट्रांग ब्रेकआउट है, इसको कंसीडर कीजिए। 21,600 और 650 एक हैडल था बहुत बड़ा निफ्टी के लिए, जिसको क्रॉस करके सस्टेन किया और उस 21,700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है 385 पॉइंट प्लस। तो ये स्ट्रांग ब्रेकआउट है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट तब होगा जब 45,700 के ऊपर क्लोजिंग देगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद कल ये ब्रेकआउट बैंक निफ्टी में मिल सकता है। सबसे पहले एक स्ट्रांगली मेरी रिकमेंडेशन थी, लास्ट 3-4 वीडियो मैंने अपलोड की थी, जिसमें 2 वीडियो मैंने स्पेशल मार्केट से रिलेटेड बनाई थी, और जिसमें मैंने रिकमेंड किया था कि अगर फ्लैट टू निगेटिव ओपनिंग होती है तो आपको तब भी कॉल बाय करनी है, पॉजिटिव ओपनिंग होती है आपको तब भी कॉल ही बाय करनी है। तो बिल्कुल व्यू बिल्कुल क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं था, कहीं से कहीं तक भी हम बुलिश थे और एक अच्छा ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला। बट ये हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो कोई इशू नहीं है, नो इशू गाइज, ये मौके बार बार मिलेंगे। क्योंकि एक गैप अप मिला 300 पॉइंट निफ्टी में मिला और फिन निफ्टी 150 पॉइंट्स गैप अप हुआ, और कहीं ना कहीं दोनों का, तीनों इंडाइसेस का, निफ्टी का कॉल, बैंक निफ्टी का कॉल, फिन निफ्टी का कॉल मल्टीपल हुआ है गाइज। अगर किसी का 40 रुपीज का प्रीमियम था तो वो 3 टाइम कम से कम गया है किसी भी इंडाइसेस में। यही मैं कैच कर रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि मॉर्निंग में गैप अप भी खुलेगा तो प्रीमियम एकदम से ऐड नहीं होगा, प्रीमियम टाइम के साथ साथ ऐड होगा, और वही देखने को मिला। शुरू में मार्केट खुला, मार्केट ने कंफ्यूज किया ट्रेडर को, क्योंकि प्रीमियम एकदम से ऐड नहीं किया, प्रीमियम दोनों साइड का डीके हुआ। अगर पॉजिटिव साइड में 100 रुपीज का प्रीमियम बढ़ना चाहिए था तो फ्लैट टू पॉजिटिव ही रहा, लेकिन टाइम के साथ साथ प्रीमियम ऐड हुआ। यहां पे काम करता है एक्सपीरियंस। जो नया ट्रेडर होता है मैक्सिमम टाइम वो डर जाता है, वो डर ऐसे जाता है क्योंकि ऑपरेटर उसको डराता है। निफ्टी के पुट का प्रीमियम खत्म कर दिया और कॉल का प्रीमियम एनहेंस नहीं किया कुछ टाइम का तक, उसके बाद उसमें प्रीमियम इतनी तेजी से ऐड होना शुरू हुआ कि कॉल सारी मल्टीपल हो गई। तो ये व्यू था आज के लिए, जिसमें स्ट्रांगली बोला गया था कि स्ट्रांगली व्यू शेयर किया गया था, मैं बुलिश था और काफी बहुत लोगों ने निगेटिविटी छाई हुई थी मार्केट में, बहुत लोग निगेटिव थे, बहुत यूट्यूबर निगेटिव थे जो क्रैश चला रहे थे। तो हमारा व्यू जो होगा, मेरा व्यू जो होगा, मैं क्लियरली आपको शेयर करूंगा, कोई हेजिटेट नहीं करूंगा। जहां पे लगेगा नहीं लेना है तो नहीं लेना है, जब जहां लेना है वहां लेना है। तो बात करने वाला हूं अब कल के लिए, कल क्या क्या हो सकता है मार्केट और आज का क्या रहा। सबसे पहले बात करता हूं मैं फरवरी सीरीज की। फरवरी सीरीज मानी जाती है एक बड़े मोमेंटम के लिए, जो कि हिस्ट्री बताती है कि एक बड़ा मोमेंटम फरवरी सीरीज में आता है। वो किसी साइड भी आ सकता है, ठीक है, वो अपोजिटिव पॉजिटिव साइड भी आ सकता है, वो निगेटिव साइड भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है बजट पर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो चेंज करता है वो बजट करता है। और मैक्सिमम टाइम ये देखने को रहा है पिछले 3 बजट में कि बजट आने से पहले एक ऐसा सेल ऑफ आता है जहां पे निफ्टी कम से कम 1,000 पॉइंट गिरती है, और बजट के दिन के दिन से एक रैली स्टार्ट होती है जो कम से कम 1,500 से 2,000 पॉइंट्स निफ्टी को
ऊपर लेकर जाती है टाइम टू टाइम, इन्हें सिंगल डे में नहीं, बजट के दिन नहीं, लेकिन एक मोमेंटम शुरू हो जाता है पॉजिटिव साइड, और बैंक निफ्टी भी एक शार्प बाउंस देती है अगर पहले से सेल ऑफ आया हुआ है तो। पिछले दो बजट तो यही कहते हैं, दो से तीन बजट तो यही कहते हैं कि बजट से पहले अगर सेलिंग आई है तो बजट के दिन से एक मोमेंटम स्टार्ट होता है पॉजिटिव साइड, क्योंकि अगर बजट में कुछ भी निगेटिव नहीं आया और बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव भी नहीं आया तो मार्केट रेडी है एक बड़ी रैली करने के लिए। उसका रीजन सबसे बड़ा यह है क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है। तो ये मेरी फरवरी सीरीज के लिए आपको मैं थोड़ा सा बता रहा था कि फरवरी सीरीज बिग मोमेंटम के लिए जानी जाती है। लास्ट 10 ईयर्स में, 10 साल में, लास्ट 10 ईयर्स में 7 टाइम निगेटिव क्लोजिंग दी है फरवरी सीरीज ने। लास्ट 10 ईयर्स में 7 टाइम निगेटिव क्लोजिंग आई है फरवरी सीरीज की। एफआई जो पॉजिटिव इस टाइम है फरवरी सीरीज के लिए वो है एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन। एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन घट करके 20% के आसपास है, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि इस सीरीज में जब एफआईएस मूव कर रहे हैं तो बहुत लाइट मोड पर लग कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी वो सेलिंग करेंगे, बेचेंगे, जब कुछ होगा ही नहीं तो बेचेंगे कहां से। स्टॉक हो सकते हैं पर्टिकुलर किसी स्टॉक में सेलिंग आ सकती है, लेकिन एफआईएस की लॉन्ग पोजिशन बहुत कम हो चुकी है, 20% काफी कम होती है, 13-14% पर तो 100% ये बाय करते ही करते हैं। तो एक पॉजिटिव ट्रिगर ये है जो डेटा रीड करने के बाद आया, क्योंकि एफएनडो का डेटा और लेट अपडेट हुआ था तो वो डेटा मिल नहीं रहा था। आज जाके डेटा कलेक्ट किया, कल किया रात में, तो अपडेट कर रहा हूं मैं आपको कि एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन 20% पे इस सीरीज की स्टार्टिंग हुई है, और जो रोल ओवर्स भी हुए हैं ना वो 80% के करीब हुए हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव है। तो मेरे हिसाब से एक जो फरवरी सीरीज की स्टार्टिंग हुई है लाइट मोड पर हुई है एफआईएस की तरफ से, तो उम्मीद करते हैं शायद ये जो आज मोमेंटम देखने को मिला है वो कंटिन्यू रहेगा। आज की बात करता हूं, निफ्टी क्लोज हुआ है 21,737 प्लस में 385 पॉइंट्स। दूसरा बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है 45,442 प्लस 576 पॉइंट्स। फिन निफ्टी 20,413 प्लस में क्लोज हुआ है 313, ये आज की क्लोजिंग का है। और लीड किया है आज, जो लीड किया है मार्केट को, लीड किया है रिलायंस ने और अदानी ने। मेरे से क्वेश्चन किसी ने किया कि रिलायंस लीड कर रहा था, आपने कहा था एचडीएफसी बैंक लीड करेगा। गाइस ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, यहां पर जो मार्केट कैप भी है ना इतना बड़ा हो चुका है किसी का भी, 3.44 ट्रिलियन को हमने क्रॉस कर दिया है। तो यहां पर सब कुछ न्यूज बेस्ड चलता है, यहां पे एक सेकंड के अंदर, एक मिनट के अंदर और एक घंटे के अंदर सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा आज भी 3 बजे एक सेलिंग आई बैंक निफ्टी में, क्योंकि 45,500 का पुट राइटर ट्रैप हो चुका था, तो उसको फिनिश करने के लिए एक 200 पॉइंट की सेलिंग आई विद इन 2-3 मिनट में। तो ये ऐसी मार्केट है जहां पर एक मिनट में सब कुछ बदलता है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते और अपना आपको आप मूव नहीं कर सकते, न्यूज के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो ये स्टॉक मार्केट में रहने का आपको हक नहीं है, क्योंकि ये मार्केट आपको फिनिश कर देगी बहुत जल्दी। इस मार्केट की खास बात यही है, आज समझ लेंगे अच्छा है, नहीं समझेंगे 3 महीने बाद समझेंगे, 6 महीने बाद समझेंगे, नहीं तो वरना बहुत कुछ गवा के समझेंगे। इमोशंस इस मार्केट में काम नहीं करते हैं। इमोशंस पे मैं वीडियो लाने वाला हूं वीकेंड पर, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर 99% ट्रेडर का फेलियर जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है इमोशंस, भावनाएं आपको मूव नहीं करने देती अपनी पोजीशन पे। अगर ब्रेकआउट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा है, तो अपनी पोजीशन कट करके आप दूसरी पोजीशन ही बना सकते हैं, लेकिन वहां पर एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस आ भी जाए तो आपके इमोशंस आपके ऊपर भारी होते हैं। उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मूव करें अपनी दूसरी पोजीशन में, मैं आपको एडवाइस करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ये अंडरस्टैंड कीजिए, जितनी जल्दी अंडरस्टैंड कर लेंगे उतनी जल्दी सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर इमोशंस पे आपका कंट्रोल नहीं है तो मार्केट आपको फिनिश कर देगी। गाइस पोजीशन के साथ मत बने रहिए, अगर आपको लग रहा है अपोजिट जा रहा है तो एक्शन लीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है अपनी पोजीशन को चेंज कीजिए। बिल्कुल भी भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है, अपना एक्शन लीजिए, अपना डिसीजन को फॉलो कीजिए, अपनी कैलकुलेशन को फॉलो कीजिए। मैं इमोशंस पे इस बार इस वीकेंड पे आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं। दूसरी बात, रिलायंस का सबसे बड़ा योगदान था आज की मार्केट को सपोर्ट देने में। निफ्टी में हाईएस्ट वेटेज रिलायंस का है, रिलायंस 7% ऊपर गया, और अदानी के सारे स्टॉक, अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक 4%, 4%, 5% सब ऊपर थे।
उसका रीजन कोई कुछ भी बताए, लेकिन मेरी कैलकुलेशन, मेरी रिसर्च ये कहती है ये एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट की वजह से है। जो वीकेंड पर बिहार में नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए और वहां की गवर्नमेंट बनी है, तो उसको उसको मार्केट ने भी पॉजिटिव लिया है। और दूसरा, इन दो ग्रुप के लिए, रिलायंस और अदानी के लिए, जहां तक उम्मीद है, मोदी जी इनको मतलब सपोर्ट करते नहीं करते, लेकिन ये लोग बहुत फेवर करते हैं मोदी जी को, ठीक है ना। बीजेपी इनको पसंद करती है, बीजेपी को पसंद करते हैं, तो गवर्नमेंट के फेवर में वहां का आउटकम आया, वहां का रिजल्ट गवर्नमेंट के फेवर में आया। तो मुझे ऐसा लगता है रिलायंस ने इसलिए रन अप दिखाया क्योंकि यहां पर मार्केट को भी भनक लग चुकी है कि 2024 में 100% बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है और एक स्टेबल गवर्नमेंट आ रही है। क्योंकि अभी तक क्या लग रहा था, ऐसा लगता था कि इंडिया जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिशन दे सकता है, कॉम्पिटिशन बन सकता है, कॉम्पिटिटर बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार के बीजेपी में जाने से अब बिहार की जो सीट्स हैं 40 या पता नहीं कितनी सीट्स हैं, वहां का 80% सीट बीजेपी के पास आएगी। तो एक जो वो छोटा मोटा डाउट था वो भी बाजार को क्लियर हो गया और बाजार ने इस ट्रिगर को पॉजिटिव लिया। और दो बड़े ग्रुप जो पसंद करते हैं इस गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उसको पसंद करती है, रिलायंस और अदानी में इसलिए तेजी बनी क्योंकि उनको भी भनक लग चुकी है कि 2024 में बीजेपी की गवर्नमेंट वापस कर रही है और बहुत अच्छे बहुमत के साथ वापस कर रही है। तो बाजार को पिक्चर क्लियर हुई, इस वजह से दो ग्रुप को बेनिफिट हुआ और बाजार को बेनिफिट हुआ, इस वजह से एक रैली बनी है। मैं सरप्राइज नहीं होने वाला कि आने वाले टाइम में आपको प्री इलेक्शन रैली भी दिखाई दे, और इसका अगर दिखाई देने वाली होगी, कुछ ऐसा सेंटिमेंट बनेगा तो मैं ही आपको अपडेट करने वाला हूं। तो एक जो सबसे बड़ा सीन था आज, रिलायंस का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा था, 7% अप गया है रिलायंस। दूसरा अदानी ग्रुप के सारे स्टॉक, कोई 4% प्लस था, कोई 5%, कोई 6% या 3-4%, एक अच्छा रनअप अदानी ग्रुप में देखने को मिला। और बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी, कोई बुरा नहीं था, बैंकिंग में भी कोटक बैंक ने बहुत अच्छा रनअप दिया, 3% की रैली आज कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिली। तो कोटक महिंद्रा बैंक को ही फॉलो करता है HDFC बैंक, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर कोटक महिंद्रा बैंक परफॉर्म करता है तो कहीं ना कहीं देर सवेर HDFC बैंक भी परफॉर्म करने लगता है। HDFC बैंक प्लस में बंद हुआ है 1.38% और कोटक महिंद्रा बैंक बंद हुआ है 3.43%। तो ये बैंकिंग पर अपडेट था, ये अब रीजन मुझे ऐसा लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा क्या रीजन था कि मार्केट इतनी तेज क्यों गई है। और गाइस अभी तो रैली बननी शुरू हुई है। निफ्टी का PCR 1.10 कंफर्टेबल, बैंक निफ्टी का PCR 0.86 कंफर्टेबल। ग्लोबल मार्केट में अभी क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट में डाउ जोन्स प्लस है 20 points, ये प्लस में भी बंद हो जाए हमारे लिए अच्छा है ना। S&P 500 प्लस 3 points, नेस्डेक फ्यूचर प्लस 39 points, ये ग्लोबल सेंटीमेंट में अमेरिकन मार्केट है जो करंट में अभी रन अप कर रही है, तो ऑलमोस्ट वो फ्लैट टू पॉजिटिव है। अगर ये फ्लैट टू पॉजिटिव भी बंद होता है तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। दूसरी बात, यूरोप का मार्केट फ्लैट टू निगेटिव है, इसमें जर्मनी माइनस में चल रहा है -40 points, फिटसी -14 points और केक 40 प्लस में 3 points। लेकिन मेरा व्यू ये है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा आज भी अमेरिकन मार्केट में एक तेजी देखने को मिले, ठीक है। दूसरा, गिफ्ट निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव है अभी। और ITC का रिजल्ट आया, ITC का जो रिजल्ट आया, प्रॉफिट तो बिल्कुल उम्मीद से परे आया है, लेकिन मार्जिन में तो कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ निगेटिव नहीं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव भी ITC पे देखने को नहीं मिलेगा। बजाज फाइनेंस का रिजल्ट आ चुका है, क्या इंपैक्ट रहेगा वो कल हम देखते हैं। रिजल्ट इसका अच्छा आया है अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट NIIM, तो अच्छे ज्यादा प्रॉफिट आया, देखना पड़ेगा क्या इंपैक्ट रहेगा। अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जा पाया हूं क्योंकि इतना टाइम नहीं था, बहुत बिजी शेड्यूल था, एक मेरी कॉर्पोरेट मीटिंग थी, तो गाइस मुझे वहां पे जाना पड़ा, मेरा वहां पे कम से कम 1.5 hours लगा, पूरी प्रेजेंटेशन थी, बहुत बड़ी मीटिंग थी, तो एक वो सक्सेसफुल मीटिंग रही तो मुझे वहां पे टाइम देना पड़ा, तो इसलिए मैं बहुत बहुत बजाज फाइनेंस पर रिसर्च नहीं कर पाया हूं। डॉलर अभी चल रहा है आपका 83.13 और क्रूड ऑयल 81.50, तो ये 84 तक गया था लेकिन अभी कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। डॉलर इंडेक्स 103.58, थोड़ा सा ऊपर है लेकिन ऐसा कोई इशू है नहीं, ठीक है। ये हो चुका है सब जो अभी तक का रिसर्च अपडेट कर चुका हूं मैं। FIs का डेटा, FIs ने 210 करोड़ की सेलिंग करी है कैश में और DIs ने अच्छी मोटी बाइंग करी है।
तो FIIs का डेटा इतने टाइम के बाद बहुत कम सेलिंग में नंबर आया है, यही अपनी मार्केट के लिए पॉजिटिव है। गाइस थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है, न्यूज फ्लो पॉजिटिव है, मुझे अभी कोई दिक्कत नहीं लग रही है मार्केट में। मेरे हिसाब से कल भी एक शानदार रनअप आपको देखने को मिलना चाहिए मार्केट में। अगर कोई गैप डाउन होता है, फ्लैट टू नेगेटिव गैप डाउन होता है, गैप डाउन ना हो ये गैप डाउन का मतलब ये नहीं है कि 300-400 पॉइंट माइनस खुल जाएगा, 200 पॉइंट माइनस खुल जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर फ्लैट टू नेगेटिव मतलब 2-3 पॉइंट माइनस खुलता है या 25-30 पॉइंट प्लस खुलता है तो एक बाइंग मोमेंटम बन सकता है। हमने 3:20 मिनट पे मैं गया आपके लिए वीडियो अपलोड की मैंने, और उसमें बोला है 21,800 का कॉल, 850 का कॉल और 21,900 का कॉल आपको लॉन्ग करना है। मैं थोड़ा सा बुलिश हूं, अभी मोमेंटम मुझे बुलिश लग रहा है। और बजट के लिए मैं आपको बताने वाला हूं कल या परसों में, बजट के लिए मैं कुछ स्पेशल वीडियो शेयर करने वाला हूं, उसको मिस मत करना। और थैंक यू सो मच गाइस, जो आपका प्यार मिल रहा है वो सर आंखों पर है। मैं ऐसे ही मेहनत करूंगा, ऐसे ही अपना 100% दूंगा, आप रहिए मेरे साथ। बिलीव मी, मैं ऐसी जर्नी पे लेके जाऊंगा आपको जहां पे आपकी फाइनेंशियल हेल्थ के साथ साथ आपकी जो सोचने की मार्केट से रिलेटेड सोच है वो भी डिफरेंट हो जाएगी। मिलकर बढ़ेंगे आगे, अच्छा करेंगे गाइस। चलिए मेरे साथ उड़िए ऐसी उड़ान में जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अभी तो मैंने स्टार्टिंग भी नहीं की है गाइस, बजट भी एक इवेंट है, उसमें फैट की भी अनाउंसमेंट होने वाली है, उसमें क्या होने वाला है मिलने वाला हूँ कल या परसों में, मैं आपको अपडेट दूंगा उससे रिलेटेड। और बजट पे आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी मैं आपको बताने वाला हूँ। एक बार फिर बोल रहा हूँ, पैसा फंड ना हो तो प्लीज अरेंज कीजिए। अभी तक आपने लॉस करने के लिए फंड की अरेंज किया है ना, आप बार बार मुझे मैसेज करते हैं कि मेरा इतना लॉस हो चुका है, मेरा इतना लॉस हो चुका है, तो गाइस प्लीज अब टाइम आ चुका है पैसा कमाने का। और दूसरी बात, अगर पैसा मार्केट में गया है तो आएगा भी यहां से, यहां पे कोई लिमिट नहीं है कमाने की। यहां पे आपका एक्सपीरियंस ही एक टाइम के बाद आपको पैसा कमाने के देने लगता है, क्योंकि यहां का स्ट्रगल बहुत टफ होता है, वो हर कोई सस्टेनेबल नहीं होता है, हर कोई सस्टेन नहीं कर पाता उस स्ट्रगल में, क्योंकि यहां का स्ट्रगल आपसे पैसे मांगता है, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। तो अगर उस फेज से आप निकल चुके हैं तो जुड़िए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ, मैं आपको अपडेट करूंगा और बहुत जल्दी आपको उस टेंशन से फ्री करने वाला हूं जिसके लिए आप डेली परेशान होते हो कि व्यू क्या होगा मार्केट का, क्या ले क्या ना ले। जहां भी लगेगा स्ट्रांग बोलना है स्ट्रांग रिकमेंड करूंगा बाइंग की, जहां लगेगा नहीं लेना है तो नहीं लेना है, तो कोई भी लूपहोल नहीं होगा। कमिटमेंट इज कमिटमेंट, अभी तो स्टार्टिंग है गाइस, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, अभी अपने एक्सपीरियंस का 5% भी आपके साथ डिस्कस नहीं किया है। और इस वीकेंड पर आफ्टर बजट मैं आपके पास आपके साथ लेकर आने वाला हूं FIIs का डेटा, FIIs का डेटा को डीपली जाके कैसे चेकआउट करना है। तो ये था पूरा अपडेट के मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हुआ, क्यों रैली बनी, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूजन हो गए आपके माइंड में, सब कुछ क्लियर हो गया होगा और पोजिशन होल्ड होगी। तो कल मिलते हैं सुबह, जैसे भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और प्लीज बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप मैंने कुछ अच्छा किया है आपके लिए तो प्लीज इस चैनल को प्रमोट कर देना, वही मेरे लिए सपोर्ट होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच, जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।